हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो कथा अनकही की कहानी। वेल, कथा की कहानी बेहद खूबसूरत चल रही है। जिस तरीके से आप सभी की कथा के गाल ब्लश कर रही हैं, जिस तरीके से आप सभी के व्यान की आंखें ब्लिंक कर रही हैं, कथा को देखकर दर्शकों को ये सब बहुत ही प्यारा लग रहा है। वेल, जब किसी को किसी से होता है प्यार तो आसमान पिंक और आसपास की दुनिया यहाँ पर बादल की तरह उसे यहाँ पर उड़ाती नजर आती है। जहाँ पर आप सभी के वियान और कथा है एक दूसरे के करीब, तो वहीं इस रिश्तों से अनजान है यहाँ पर आरव। खास तौर से नीरजा भी एक बहुत बड़े रिश्ते से अनजान है कि कथा और वियान के रिश्ते में एक चीज कॉमन है, वो है आरव जी। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले कथा अनकही की कहानी के अभी तक अगर आपने शो में देखा होगा कि कथा और वियान का रिश्ता कैसे शुरू हुआ था। एक मजबूरी ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आए थे और इसके बाद दोनों के बीच यहाँ पर आप सभी को काफी सारा ड्रामा और हंगामा भी देखने को मिला। ये सारे ड्रामे, ये सारे हंगामे आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएंगे। तब जब आप सभी देखेंगे कि इन सारी यहाँ पर दिक्कतों के बाद, इन सारे ड्रामों के बाद आखिरकार आप सभी की यहाँ पर जो थी प्यारी सी यहाँ पर कथा, उन्हें प्यार का मतलब समझ में आया। पास्ट को बांधे रखने नहीं बल्कि उसे यहाँ पर सामने रखना चाहिए था। ये सारी चीजें सामने आती हुई नजर आएगी और ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर आप लोग देखना मिस मत करेगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पर धमाकों के साथ चीजें आगे की और आप लोगों को नजर आने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना इसलिए भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब आप सभी देखेंगे कथा और वियान एक दूसरे के बेहद नजदीक आने वाले हैं और इनकी यही नजदीकियां शो के सभी डेलीवर्स को काफी ज्यादा खुश करने वाली हैं, क्योंकि आप सभी अब देखेंगे कि कथा वियान के जो फैंस हैं वो इनके रोमांस को एक साथ देखना पसंद करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इनके रिश्ते से यहाँ पर नीरजा सबसे ज्यादा खुश है। लेकिन कथा ने नीरजा से भी एक बहुत बड़ी बात छुपाई है और वो बात ये है कि यहाँ पर जिस रॉबिन की यहाँ पर आरव दिन रात बातें करता है, असल में वो रॉबिन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वियान रघुवंशी ही है। यानी कि यहाँ पर अब कथा और कथा से जुड़ी सारी बातें खुलकर सामने आने वाली है और ये सब देखना आप लोग शो के आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। दो दिन के बिजनेस ट्रिप के बाद जब कथा लौटकर वापस अपने घर आएंगी तो उनके चेहरे का नूर, उनके चेहरे की चमक, उनके चेहरे का यहाँ पर जो है प्यारा सा यहाँ पर जो चेहरा दिख रहा है वो अप्रिशिएट करने वाली है। यहाँ पे नीरजा ने कहा कि चेहरा तो तुम्हारा बड़ा चहक रहा है, खिल उठा है, आखिरकार ये किस चीज का यहाँ पर नूर है? तुम्हारी खुशी का राज कहीं वियान रघुवंशी तो नहीं है? वेल, वियान के साथ उनकी क्या फीलिंग डेवलप्ड हो रही है? नीरजा को हर एक चीज की वो अपडेट देती आई है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर उन्होंने ये अपडेट कभी नहीं दी कि वो रॉबिन के साथ ही रिश्ते में है। ना तो ये बात उन्होंने कथा ने यहाँ पर आप सभी के आरव को बताई, जबकि आरव ने उसे भेजा था वियान के यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वियान जो कि आरव से अपनी पार्टनर यानी कि यहाँ पर आप सभी की कथा को इम्प्रेस करने की बातें वो कहता था, ऐसे में यहाँ पर उस समय कथा ने कहा था कि रॉबिन को उसके हम उम्र को समझाना चाहिए। ऐसे में आरव ने अपनी माँ यानी कि यहाँ पर कथा को भेजा था और कहा था कि मामा आप तो यहाँ पर सेम एज को ही हो ना। लेकिन जब कथा स्पोर्ट्स क्लब में जाती है और यहाँ पर आरव की बताई हुई जगह पे पहुँचती है तो देखती है कि वो तो वियान रघुवंशी ही है। और ये यहाँ पर ये सब देखने के बाद बिना यहाँ पर आरव से मिले, बिना यानी कि आरव के दोस्त
वियान से मिले बिना वहां से चली जाती है, जिसकी वजह से वो राज अभी तक राज है। ना तो वियान जानता है कि उसके दोस्त रॉबिन की मॉम कौन है, और यानी कि यहाँ पर वियान नहीं जानते उसके दोस्त बैटमैन की माँ कौन है, और ना ही यहाँ पर आरव जानते हैं कि असल में जिसे वो रॉबिन बोलता है उसका नाम वियान रघुवंशी है। और इस बात का खुलासा होने वाला है आप सभी की नीरजा के सामने। नीरजा और यहाँ पर आप सभी के आरव एक दिन पार्क घूमने जाएंगे, जहाँ पर आरव भी होंगे और वियान वहां पर आ जाएंगे। वियान आरव को यहां पर देखेगा नीरजा के साथ, वो पूछेगा कि ये आपके साथ कैसे, यानी कि बैटमैन यहां पर कैसे। तब यहां पर कथा और इनके रिश्ते का खुलासा नीरजा उसके सामने करने वाली है। जी हां, नीरजा बताने वाली है कि आरव जो है वो कथा का ही बेटा है। ये बात सुनकर आप सभी के जो यहाँ पर है वियान शॉक्ड हो जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। आगे आने वाले एपिसोड में और कौन कौन से धमाके होने वाले हैं वो सब देखना आप लोग, शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल ऑफ वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करेगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को अब एक से बढ़कर एक धमाका, एक से बढ़कर एक नया यहाँ पर हंगामा देखने को मिलने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ जो है स्वागत पे स्वागत होता ही नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी की कथा जिस तरह से ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब आप सभी ने देखा ही कि कैसे नीरजा को पता चलने वाला है कि आखिरकार रॉबिन और वियान एक है, और यहाँ पर कथा आरव से ये बातें छुपाए बैठी है। तो शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए, इस प्यारे से एपिसोड को देखने के लिए आप लोग देखना मिस मत करिएगा शो का अपकमिंग एपिसोड, जहां पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि कथा और वियान की लव स्टोरी भारी पड़ने वाली है आरव की जिंदगी पर, क्योंकि नीरजा यहां पर अनजाने में ही सही लेकिन वियान को बता देने वाली है कि जिसे तुम बैटमैन बोल रहे हो वो कथा का बेटा है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद शो में आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।